खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कांग्रेस शिवसेना के नाम पर तैयार हो रही है तो कांग्रेस के बागी नेता संजय निरुपम कांग्रेस को चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। निरुपम कह रहे हैं कि कांग्रेस यूपी वाली गलती महाराष्ट्र में दोहराने जा रही है। कल दिल्ली में कांग्रेस एनसीपी नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में महाशिव अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। हमारे संग कांग्रेस के नेता संजय निरुपम जी हैं। बार बार सर आप इस बात का विरोध करते रहे कि कांग्रेस शिवसेना के संग ना जाए, और देखिए अब वो हो रहा है, सरकार बनती दिखाई दे रही है जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी साथ साथ होंगे। बिल्कुल, ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, और मैं प्रारंभ से कह रहा हूं कि शिवसेना के साथ कांग्रेस को सत्ता में भागीदार नहीं बनना चाहिए, वरना उत्तर प्रदेश में वर्षों पहले बीएसपी के साथ अलायंस करके हमने जो गलती की थी वही गलती हम दोहराने जा रहे हैं। आज देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी तब ऐसी पिटी कि आज तक ऊपर नहीं उठ पाई, हम लगातार प्रयास करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में भी तीन दलों की सरकार, नेतृत्व शिवसेना करेगी और हम तीसरे नंबर की पार्टी होंगे, तो निश्चित तौर पर यह कांग्रेस के लिए बहुत घातक होगा। महाराष्ट्र के जो नेतागण सरकार बनाने के लिए हाईकमान के ऊपर, खासकर आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर जिस प्रकार का दबाव डाल रहे हैं, उनके प्रति पूरा आदर रखते हुए मैं कहूंगा कि सत्ता भोगने के इस लालसा में कांग्रेस को नुकसान न पहुंचाएं। कांग्रेस पार्टी अगर इस सरकार में शामिल होगी तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कांग्रेस का भारी नुकसान होगा। हम अपनी पार्टी का बसपा से जुड़ा हुआ इतिहास भी दोहरा रहे हैं, ये बात भी कह रहे हैं कि दबाव राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बनाया जा रहा है, पर जो 44 विधायक कांग्रेस के हैं, पहले चुनाव परिणाम के पहले दिन से ये बात सामने आ रही है कि 44 में से तकरीबन 41 जो विधायक हैं वो चाहते हैं कि सरकार में कांग्रेस लगातार भागीदारी बनाए, बाहर से समर्थन ना करे, भागीदारी बनाए। तो दबाव कैसे कहिएगा, और अगर दबाव है तो वो दबाव कौन बना रहा है सर? तो अब जैसा आपने कहा कि उन विधायकों का ही विशेष तौर पर दबाव है, और उन विधायकों को ऐसा लग रहा है कि सत्ता का हिस्सा बनने के बाद शायद उनके जो उनका जो भविष्य ज्यादा बेहतर होगा, उज्जवल होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इन विधायकों को कि जो सोच है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म गेन के ऊपर आधारित है। बड़ा विषय यह है कि आज महाराष्ट्र में जो एक राजनीतिक एक एक, एक 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 जो ब्लॉकेज है या फिर एक राजनीतिक अस्थिरता है, यह शिवसेना का पाप है, और शिवसेना का पाप कांग्रेस अपने ऊपर ढोए यह अच्छा नहीं है, और शिवसेना को उसकी गलती या उसकी जो भी अपना उसकी जो भी अपनी पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स की सजा शिवसेना भोगे, न कि कांग्रेस पार्टी। बहुत सारे नाम दिए जा रहे हैं इस जो नए गठबंधन है उसको, महाशिव अघाड़ी, महाविकास अघाड़ी, अब आप भी एक नाम दीजिए सर, क्या नाम रहेगा? मैं इस तरह के जो एक टोकनिज्म में बिलीव नहीं करता। मेरा जो एक विचार है, मेरी जो एक सोच है, वह सोच मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लोगों के सामने रख रहा हूं कि आप इस अघाड़ी का जो चाहे नाम दे दें, लेकिन जो सरकार होगी वो लूढ़ी लंगड़ी सरकार होगी, और इस सरकार में का हिस्सा बन करके कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय तक महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने के लायक नहीं रह जाएगी।